में चुनाव प्रचार करने उतरे पप्पू यादव भावुक हो गए और उन्होंने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा। पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके नामांकन भरते ही बिहार में महागठबंधन में हलचल मच गई, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस में हैं और पूर्णिया में वो आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती से भिड़ेंगे। उन्होंने वहां चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया और इसी दौरान वो भावुक हो गए। उन्होंने लालू यादव से पूर्णिया में आरजेडी प्रत्याशी उतारने पर सवाल पूछे। ये बोलते बोलते लगा कि वो रो देंगे, क्योंकि पप्पा पूर्णिया की रैली से आरजेडी की मंशा पर सवाल उठाए और केवल अपनी टिकट का नहीं बल्कि कन्हैया कुमार और निखिल बाय पप्पू यादव के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद कई उंगलियां उठी। ये तक कहा गया कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे। पप्पू यादव ने इसका भी जवाब दिया, यानी पप्पू यादव ने पूर्णिया की रैली से साफ कर दिया कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। और उनके इसी फैसले पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने पप्पू यादव से दो टूक बोल दिया कि उनका ये कदम पार्टी अनुशासन के खिलाफ है और उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले पप्पू यादव ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया था। वो फिल्मी स्टाइल में बाइक पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन पप्पू यादव का ये फैसला कांग्रेस को पसंद नहीं आया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने दो टूक बोल दिया कि पप्पू यादव अपना नामांकन वापस लें, क्योंकि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से निर्दलीय लड़ने की इजाजत नहीं देती। अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रावल का डेट बचा हुआ है, वापस ले। यही नहीं, खबर है कि कांग्रेस ने पूर्व सांसद निखिल कुमार सिंह का उदाहरण भी दिया, क्योंकि उन्होंने पप्पू यादव जैसा फैसला नहीं लिया। औरंगाबाद में निखिल बाबू को उनका नहीं हो पाया वो टिकट। पप्पू यादव कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का हिस्सा बने थे और उनकी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था और कहा गया था कि उन्होंने पूर्णिया सीट से लड़ने के लिए ही कांग्रेस ज्वाइन की। बिहार में सीट बंटवारे के दौरान आरजेडी ने पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल सीट अपने पास रख ली थी। पप्पू यादव ने दावा किया था कि आरजेडी उन पर मधेपुरा से लड़ने का दबाव बना रही थी, लेकिन वो पूर्णिया से लड़ने पर अड़े रहे। यही नहीं, नामांकन से पहले उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला था और लालू यादव पर भड़क गए थे। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूँ। पप्पू यादव का ये दर्द इसलिए छलका था क्योंकि एक वक्त था जब पप्पू यादव को लालू यादव का दाहिना हाथ माना जाता था। 80 और 90 के दशक में तो उन्होंने लालू यादव की सियासी जमीन मजबूत करने में भी मदद की थी, क्योंकि उन्होंने बिहार के सीमांचल इलाके के जिलों पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल में अच्छी पकड़ बना ली थी। लेकिन 1991 के लोकसभा चुनावों में लालू यादव की पार्टी से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिली थी और वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 1996 और 1999 में भी पप्पू यादव को आरजेडी की ओर से पूर्णिया से लड़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आरजेडी ने उन्हें 2004 और 2014 में मधेपुरा से लड़ने का मौका दिया था। इसके बाद पप्पू यादव खुद को लालू यादव का उत्तराधिकारी मानने लगे थे और इसी के बाद लालू यादव और पप्पू यादव की दूरियां बढ़ गई थी और पप्पू यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले दोनों फिर साथ दिखे, लेकिन एक बार फिर पूर्णिया सीट पर पेच फंस गया और पप्पू यादव और लालू यादव आमने सामने आ गए। उधर कांग्रेस से